नमस्कार बच्चों, मैं नीलू मैकवाल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमरा जिला दुर्ग से। राज्य स्तरीय इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है, जो कि SCERT रायपुर के द्वारा संचालित है। आज हम छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 7 पाठ 11 कोई नहीं पराया इस कविता का हम भावार्थ देखेंगे और जानेंगे कि इसमें कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से किस तरह से हमें मिलजुल कर रहने का उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। पाठ 11 कोई नहीं पराया, जिसे कि श्री गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ में जो कवि है वह पूर्ण रूप से मानवता का पक्षधर है और इसलिए उसके लिए इस संसार में कोई भी पराया नहीं है और इसमें कवि जो है सारे संसार को अपना घर मानते हैं और कल्पना करते हैं और इस तरह से उन्होंने इस कविता का सृजन किया है। हम सब जो है ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर को जो है कुछ लोग अपनी समझ और अपने संदर्भ से, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है और कोई रहीम कहता है। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तुत कविता में जो कवि है उन्होंने मनुष्य मनुष्य के बीच जो बंटवारे की बात है, विभेद की बात है, जाति लिंग धर्म को लेकर, रंग वर्ण या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरह की विभिन्न जो संकीर्णताएं हैं वो हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े करता है। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से धर्म और जाति से जुड़े जो बहुत सारे नफरत की दीवारें जो बनी हुई हैं लोगों के आपस में, उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से गिराने का आह्वान किया है, उसे दूर करने का उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। तो कवि जो है हमें इस पाठ इस कविता के माध्यम से एक और संदेश देते हैं कि उसका जो आराध्य है वह कौन है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मात्र है और उसके लिए जो देवालय जो है कौन है, हर इंसान का जो घर है उसके लिए देवालय है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, हम कविता का वाचन करते हैं। कोई नहीं पराया, बच्चों मैं पहले इन पंक्तियों का वाचन कर रही हूँ, उसके बाद आप कीजिएगा एक बार। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। बच्चों आप में से कोई भी एक बच्चे वाचन कीजिएगा इस कविता का, कोई भी एक बच्चे वाचन कीजिएगा, जो भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं कोई भी एक बच्चे इस कविता का वाचन कीजिए। बच्चों आवाज आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस कविता का वाचन आप जो है एक बार कीजिएगा, कविता की इन पंक्तियों का। चलिए बच्चों अब हम इस कविता में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उसके हम यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि आपको इस कविता का भावार्थ जो है समझने में आसानी होगी। आराध्य, तो आराध्य किसे कहेंगे, जिसकी आराधना की जाती है। देवालय, देव स्थल मंदिर, आप सभी जाते होंगे पूजा करने के लिए, आप सभी जाते हैं तो देवालय देव स्थल या मंदिर। जंग लगी जंजीर किसे कहेंगे हम यहाँ पर, देश धर्म और जो जाति के पुराने बंधन हैं उसे यहाँ पर जंग लगी जंजीर कहा गया है। पराया किसे कहेंगे हम, दूसरा, और घट घट हर जगह, टेक दूँ झुका दूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तो कवि यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, पराया मतलब दूसरा नहीं है, यहाँ पर मेरे लिए कोई भी अनजान नहीं है, पराया नहीं है, दूसरा नहीं है, मेरे लिए तो ये जो पूरा संसार है विश्व है वह क्या है, मेरा
घर है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कवि जो है यहाँ पर पूरे संसार को अपना घर मानते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, कि मैं किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं हूँ और मेरे अंदर ऐसी कोई भावना भी नहीं है। और यहाँ पर देश काल की जंग लगी जंजीर से अर्थ है क्या है बच्चों, देश धर्म और जाति के जो पुराने बंधन है रीति रिवाज है उसे यहाँ पर कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं इन पुराने बंधनों में रीति रिवाजों में बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, कि मैं जो है जो जात पात की ऊंची नीची अमीरी गरीबी, ठीक है बच्चों, तो इसमें भी मैं यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ। मेरे लिए सभी क्या है बराबर है, मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं इन भीड़ में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी ना गरीब है और ना ही अमीर है, मेरे लिए सभी क्या है समान है और इन सभी के लिए मेरे अंदर समानता का भाव है। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। कवि आगे कह रहे हैं कि मेरे लिए सभी धर्म क्या है बराबर है, धर्म में जो है सभी बातें जो है स्याही से लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, जिसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि यह भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसे क्या करते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, उसे अपने आचरण में कोई भी उसे उतारता नहीं है, उससे कोई भी प्रेरित नहीं होता है। बच्चों आप भी जो है आपके आसपास भागवत होता होगा, रामायण होता होगा, या आप जो टीवी में भी है संस्कार चैनल है आस्था चैनल है उसमें आप बहुत सारे भागवत गीता सुनते हैं, लेकिन हम अक्सर यही होता है कि हम सिर्फ सुनते हैं और उस तक ही हम क्या रहते हैं उसके अनुसार ही चलने का हमारे मन में विचार आता है, लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर आते हैं वैसे ही हमारा विचार जो हमारे अच्छे विचार हमारे अंदर आए होते हैं वो क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं, हम फिर से अपने उसी परंपरा में चलने लगते हैं, हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। कवि कह रहे हैं कि अगर आपका सभी के प्रति समभाव है, समानता का भाव है, सभी के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है, सभी के प्रति आपके अंदर प्यार है, उसके अंदर कोई देश द्वेष की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, तो क्या है हर जगह क्या है हर व्यक्ति के हृदय में हर व्यक्ति के घर में क्या है राम है ईश्वर है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। कवि आगे कह रहे हैं कि मुझे तुम बिल्कुल भी ये मत कहना कि मंदिर या मस्जिद के आगे सिर टेको, क्योंकि मेरे लिए तो सब क्या है समान है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो सभी मेरे लिए समान है एक है, मैं इसमें कोई भी विभेद नहीं करता हूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो बच्चों यहाँ पर कवि आगे कह रहे हैं कि मेरा आराध्य कौन है, कौन किसको कह रहे हैं आदमी को। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे आराध्य कौन है आदमी है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है, और हर जो देवालय का क्या है हर व्यक्ति का जो द्वार है वह क्या है मेरे लिए एक देवालय मंदिर के समान है। और कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरे लिए पराया नहीं है, ये जो सारा विश्व है संसार है वही मेरा क्या है घर है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर कवि ने सारे संसार को इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से बताया कि ये जो सारा विश्व है संसार है वही मेरे लिए क्या है मेरा घर है, मेरे अंदर सभी के लिए समान क्या है प्यार है स्नेह है, और मुझे क्या है मेरे आराध्य कौन है यहाँ रहने वाले सभी जो व्यक्ति है आदमी है वही मेरे आराध्य है। आइए बच्चों कविता की अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। उससे पहले बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर, अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको एक स्माइली मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। मैं ना बंधा हूँ देश काल की, तो अगली पंक्ति आपको इस कविता का बताना है। विकल्प है आपके लिए ऊंची नीची भीड़ में, जंग लगी जंजीर में, स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों में। तो बताइए बच्चों मैं ना बंधा हूँ देश काल की इसके आगे की पंक्तियां क्या होंगी बताइए। जंग बिल्कुल लगी जंजीर। बढ़िया, क्या नाम है बेटा आपका, तो आपके लिए बहुत बढ़िया एक स्माइली है देख पा रहे हैं आप,
आपको एक स्माइली मिला है, दिख रहा है आपको? तो जी मैम। ये स्माइली आपको सही उत्तर देने के लिए है, और ये स्माइली आपका है, तो बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया। देख पा रहे हैं आप, दिख रहा है आपको स्माइली? जी तो मैम। इसी तरह से आगे भी जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, अगर उसका आप सही जवाब देते हैं, तो आपको ऐसे ही स्माइली मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कविता की अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मरुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, मेरी धरती 100 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार। तो बच्चों आप में से कोई भी एक वाचन कीजिए कविता की इन पंक्तियों का, कीजिएगा कोई भी एक बच्चे। आप लोग अपने स्कूल में जब कक्षाएं लगती है तो कविताएं या कहानियां नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ते हैं तो तो यहाँ भी पढ़िए बच्चों। हाँ तो पढ़िए, अभी प्रयास कीजिए। मुझको प्यार वह प्यारा वह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो पता है मैंने प्यार और छोटे प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत कहानियां। मेरी धरती 100 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा आपने इस कविता का वाचन किया, और मैं चाहती हूँ कि जब आगे आप घर पे इस कविता का वाचन करें तो और बहुत अच्छे से उसमें सुधार लाते हुए आप उसका वाचन करें। चलिए कुछ हम अपरिचित शब्द देख लेते हैं, जिसे आपको इस कविता का भावार्थ समझने में आसानी होगी। अभिमान, अभिमान किसे कहेंगे? घमंड। देवत्व, देवत्व किसे का अर्थ क्या होगा? देवों के गुण। अमरत्व, अमरता का। सुकुमार, कोमल। और धरती किसे कहेंगे हम? वसुंधरा। और अगला क्या है? मनुजत्व, मनुजत्व मनुष्य का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं, और उन्होंने मानवता पर ही यहाँ पर विशेष एक बल दिया है, और कवि कह रहे हैं कि हमें आपस में सबके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और इसी महत्व का उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन किया है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, कवि कह रहे हैं कि कोई कहीं भी रहता हो, किसी भी परिस्थिति में रहता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी इंसान हो, यही मुझे सबसे प्यारा है। आगे कवि कह रहे हैं कि मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, कवि को अपनी मानवता पर क्या है? बहुत गर्व है, क्योंकि उसके लिए मानवता ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे देवों के गुण नहीं है ना, मुझे देवों के गुण नहीं चाहिए, मुझे तो क्या भाता है? मुझे तो क्या भाता है? मनुजत्व ही भाता है। मुझे तो मानवता ही सबसे अच्छा लगता है, वही मेरे लिए सबसे प्यारा है, मुझे देवों वाले गुण नहीं चाहिए। कवि कह रहे हैं कि और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत भी, कि मुझे इन सभी का यह प्यार क्या है, उनका जो स्नेह है, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की जो भावना है, वही मुझे क्या है? स्वीकार है, उसे अमरत्व अमरता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कवि आगे कह रहे हैं कि मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। कवि कह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग के सुख के बारे में, उसके विषय में मत बता, मुझे यहाँ अपने धरती की जो कोमल कहानियां हैं, सुकुमार कहानियां हैं, वही मुझे क्या है? सबसे अच्छी लगती है। मुझे स्वर्ग की जो सुख की कहानियां हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबका, मेरा जो सुख है वही क्या है? सारे संसार का सुख है। तो
सारे संसार का भी उस सुख में क्या है, भाग निहित है। कभी आगे कह रहे हैं कि मेरी धरती 100-100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, कि मेरी जो धरती है वह क्या है, 100 स्वर्गों के सुख से भी ज्यादा सुकुमार है, कोमल है, बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, और सभी क्या है, आपस में भाईचारे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सबका प्यार क्या है, खिला हुआ है ना। और सभी एक दूसरे के सुख और दुख में क्या करते हैं, साथ देते हैं। इसलिए मेरी धरती में जो कहानियां है, यहाँ का जो सुख है, वही क्या है, सच्चा सुख है। कवि कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी यहाँ पर पराया नहीं है, मेरे लिए तो सारा जो संसार है वही क्या है, मेरा घर है। घर है। चलिए बच्चों, अब हम कविता की अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपके लिए फिर से एक प्रश्न है कि सुकुमार का अर्थ है, विकल्प है आपके लिए अंधेरा, कोमल, बगीचा, जहर। सुकुमार का अर्थ क्या होगा बच्चों, बताइए। कोमल। कोमल, क्या नाम है बेटा? तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो आपके लिए एक स्माइली है, ठीक है? तो ये स्माइली आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए मिला है, ठीक है? दिख रहा है आपको स्माइली? जी मैम। बिल्कुल, पसंद आया आपको स्माइली? जी मैम। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कविता की अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी। सुखना तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कोई भी कोई दूसरे बच्चे जो पहले वाचन कर चुके हैं उसको छोड़ के कोई दूसरे बच्चे वाचन कीजिए कविता की इस पंक्ति का, कीजिए अपने आप। मैं सिखला जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह न जाए जीवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए अब हम चलते हैं। कुछ इसमें कठिन शब्द आए हैं, उसके हम अर्थ देख लेते हैं। दलित, तो दलित यहाँ पर निम्न वर्ग के लिए कहा गया है। धूल, रज और जग, संसार, पग, पैर और उपवन, बगिया या बगीचा, ठीक है बच्चों? तो कवि ने इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमें जो है सभी मनुष्यों को, इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों को कुछ सीख दिया है। तो देखते हैं कि कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से क्या सीख दिया है और हमें इसे क्या प्रेरणा मिलती है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, कवि कह रहे हैं कि मैं क्या सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो, कि आप भी अच्छे से जिए, सभी के प्रति स्नेह और भाईचारे की भावना आपस में रखिए, और दूसरों को भी सुख से प्यार स्नेह के साथ बिना कोई राग और द्वेष के सभी को जीने दो। इस तरह की बात सीख यहाँ पर दे रहे हैं। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, कि जितना हो सके अपने से आप क्या करो, सभी को अपना प्यार बांटो, सबके प्रति समानता का, सम्मान का भाव रखो। जितना आप दूसरों के लिए प्यार बांटोगे, सम्मान का भाव रखोगे, उतना ही हमारी जो धरती है वो भी क्या होता जाएगा, सुंदर स्वर्ग के समान बनता जाएगा, ठीक है? अगर हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारी धरती जो है स्वर्ग के समान हो पाएगा क्या? हम स्वर्ग की कल्पना कर पाएंगे यहाँ पर, कर पाएंगे क्या? नहीं, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमें क्या करना है, सबको अपना प्यार स्नेह
और अच्छी भावना ही हमको क्या करना है, सबके प्रति रखना है और उसको बांटना है, और दूसरे लोगों को भी प्यार बांटने के लिए, स्नेह बांटने के लिए, भाईचारा से मिलकर रहने के लिए हमको क्या करना है, प्रेरित करना है, ताकि हमारी जो धरती है वह स्वर्ग बनी रहे। हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। कवि आगे यह कह रहे हैं कि आप इस तरह से हंसो कि आपके साथ जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, वह भी क्या हो जाए, आपके साथ हंसने लग जाए और वह अपनी जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको भूल जाए। ठीक भूल है बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो मित्र हैं, सहेलियां हैं, वो क्या होती हैं, दुखी होती हैं, तब हम क्या करते हैं, उसके दुख को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हंसाने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से उसके मन में जो उदासी छाया रहती है वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, और वो दूर भी हमारे साथ प्रसन्न हो जाते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई फूल भी, कि आप इस तरह से चलो, है ना, आप इस तरह से चलिए, आपके चरण जो है इस तरह से रखाने चाहिए कि आपके पैर के नीचे कोई कांटा भी ना आए। ठीक है, कोई फूल भी आपके नीचे दब ना पाए और कोई कांटा भी आपके पैरों से दब ना पाए। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमको अपना व्यवहार किस तरह से रखना है कि हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो, हमारे किसी शब्द से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरह से इसका ध्यान रखना है कि हमारा व्यवहार कैसा हो, कैसा हो, कि सभी हमारे व्यवहार से खुश हो और उनसे सुख प्राप्त हो, उन्हें कोई भी पीड़ा हमारे व्यवहार से प्राप्त ना हो। सुख ना तुम्हारा सुख, केवल जग का भी इसमें भाग है, कि तुम्हारा जो सुख है वो सिर्फ तुम्हारा ही सुख नहीं है, ये किसका भी सुख है, उसमें और कौन भागीदार है, सारे पूरे संसार के जो संसार लोग हैं वो भी तुम्हारे सुख में, सुख के क्या है, भागीदार हैं। तो आपका जो सुख है उसको आप अकेले अपना ही सुख मत मानिए, उसको हमको क्या करना है, इस संसार में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उसको सबको हमको उसमें क्या करना है, शामिल करना है, तभी जो है आपस में भाईचारे की भावना बनी रहेगी और हमारी ये जो धरती है वो स्वर्ग के समान बनी रहेगी। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि फूल किसका श्रृंगार होता है, पहले किसका श्रृंगार होता है, उपवन का, डाल बगीचे का। का, है ना, उसके बाद वह क्या होता है, डाल का। जब आप किसी बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले जब बहुत सारे फूल खिले होते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, मैदान में बढ़िया घास लगा रहता है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि कितना सुंदर बगीचा है, कितना प्यारा फूल यहाँ पर खिला हुआ है ना, हम उसी को देखते हैं, उसी की तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि किस डाल में कौन सा फूल खिला, हम ये बोलते हैं क्या, किस डाल का फूल कितना सुंदर है। ठीक है, तो फूल भी जो है सबसे पहले किसी बगीचे का, उपवन का श्रृंगार है, उसके बाद वहां किसी डाल का। ठीक है, तो इसी तरह से कवि आगे यह भी कह रहे हैं अब अंत में कि मेरे लिए कोई भी क्या नहीं है, पराया नहीं है, पराया नहीं है मेरे लिए, तो यह जो पूरा संसार है वही क्या है, मेरे लिए घर है, मेरा घर, मेरा पूरा संसार है। तो चलिए बच्चों, बताइए कि आपको इस कविता से कुछ प्रेरणा मिली, क्या आपको संदेश मिला, क्या सीखने मिला, कुछ सीखने मिला आपको। कवि ने क्या कहा कि हमको संसार को मिलजुल कर रहने की उन्होंने बात कही है कि कोई भी जाति धर्म से ऊपर हमारा क्या है, मानव धर्म को ही उन्होंने यहाँ पर क्या बताया, इस कविता के माध्यम से सर्वोपरि मानने के लिए कहा है, और जियो और जीने दो की भी उन्होंने यहाँ पर हमको सीख दिया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके लिए फिर से एक प्रश्न है कि कवि को बहुत अभिमान है, आपको बताना है कि कवि को किस पर अभिमान है। विकल्प है आपके लिए अपनी प्रशंसा पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी ताकत पर, अपनी मानवता पर, बताइए बच्चों, अपनी मानव अपनी
मानवता। बहुत मानवता। बढ़िया, आपके लिए फिर से एक स्माइली है। ठीक है बच्चों, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो इसके लिए आपको मिलते हैं एक स्माइली। ये वाला स्माइली आपको पसंद आया? पसंद नहीं आया, बढ़िया। तो ये नहीं स्माइली आपका है, ठीक है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने ये जाना कि विश्व में जो प्रेम का, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत या जो कविता है उसके माध्यम से हम सभी ने ये जाना कि विश्व को अपना घर और सभी लोगों को अपना मानकर अपने पराए का जो भेद है उसको मिटाने की बात यहाँ पर कवि ने की है। और इस कविता के माध्यम से हमने यह भी जाना या जान पाए कि जाति, धर्म, धनी, निर्धन, भाषा, वेशभूषा, मंदिर, मस्जिद सभी भेदभावों से ऊपर क्या है? मानवता है। ठीक है। नहीं और हम सबको केवल मनुष्य जानकर ही हमें गले लगाना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए? मनुष्य जानकर ही हमें सबको गले लगाना चाहिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम या सिख ईसाई मानना चाहिए। राम रहीम का जो अंतर है वह तो एक प्रकार से बाय है, वस्तुतः जो मानवता है वही क्या है? हमारे लिए सर्वोपरि है। आइए बच्चों, अब हम बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है कि कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? बताइए, कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? कवि संसार को जियो और जीने दो सिखाना चाहता है। हाँ, कवि जो है संसार को जियो और जीने दो सिखाना चाहता है। इसे हम इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं कि कवि संसार को मिलजुल कर रहने, जाति धर्म से ऊपर मानव धर्म को सर्वोपरि मानने के लिए कहते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि को मानवता पर क्यों अभिमान है? बताइए। कवि को मानवता पर अभिमान है क्योंकि वे मानवता के पुजारी हैं, उन्हें देवता नहीं मानवता अच्छी लगती है। कवि कहते हैं कि कोई इंसान कहीं भी रहता हो, यदि उसे इंसानियत वहां में प्रिय है, हमें संसार में प्रेम को छोड़कर कुछ भी स्वीकार नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम पाठ्य पुस्तक पाठ के पीछे और भी कुछ प्रश्न हैं तो उसे आप स्वयं से लिखिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। तो बच्चों बताइए कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? बताइए, प्रयास कीजिए बताने का कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। इसे, हाँ, पर्यावर्ती शब्द इसे कहेंगे, बताइए, प्रयास कीजिए बताने का। के बहुत सारे अर्थ। समान अर्थ, हाँ, और एक सब समान अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। जब आप कोई काव्य या कविता पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे हर जगह फूल शब्द नहीं आता होगा। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे पुष्प का लिखा होता है, कहीं पर सुमन का उपयोग हुआ रहता है, कहीं पर कुसुम लिखा रहता है। ठीक है। तो ये उसका क्या है? सभी उसके पर्यायवाची शब्द हैं और सभी समान अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर फूल है, उसका क्या क्या पर्यायवाची शब्द है बताइए? क्या क्या है उसे, क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? और पुष्प, पुष्प सुमन और कुसुम। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है द्वार। ठीक है, उसे हम क्या क्या कहेंगे? निकास, प्रवेश मार्ग, दरवाजा। दरवाजा। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। अगला है धरती। बताइए इसे हम और क्या कहेंगे? भूमि, पृथ्वी, धरा, बिल्कुल, धरती को हम और अर्थ क्या कहेंगे? भूमि, पृथ्वी और धरा। चलिए आगे चलते हैं। संसार, संसार का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन सा है बताइए? दुनिया, दुनिया, जग और विश्व, विश्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए अगला पर्यायवाची शब्द उपवन। उपवन का क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? उपवन वाटिका, उद्यान बगीचा, और बगीचा। ठीक है, बगीचा। चलिए आगे चलते हैं।
बच्चों इसमें कुछ इस पार्ट में आपके लिए कुछ प्रत्यय भी पूछे गए, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्रत्यय बताइएगा। जो वे शब्द जो शब्दांश के पीछे लगाए जाते हैं। हाँ, वे शब्दांश है ना, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में माने किसी मूल शब्द पीछे के पीछे में है ना जुड़कर, जो है कोई विशेष अर्थ उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं उदाहरण, पहला देखिएगा मनोज, मूल शब्द है ठीक है। अब हमने उसके अंत में क्या लगा दिया, क्वा प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा नया शब्द, क्या बना, मनोज्यत्व मनुज्यत्व। इसी प्रकार से अगला बताइए क्या है मूल शब्द, अमरत्व अमर। अब उसमें हमने त्वा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, अमरत्व ठीक अमरत्व है। अगर इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए कि अमरत्व शब्द आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो कैसे करेंगे आप, प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है, बताइए कैसे करेंगे आप। अमरत्व ये शब्द आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो कैसे करेंगे आप अलग, अमर अमर है ना, ये मूल शब्द हो गया। और क्या बताएंगे आप, जो त्वा है, त्वा शब्द है वो क्या है, प्रत्यय है। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। अगला है लघु, इस मूल शब्द में हमने क्या लगा दिया, त्वा प्रत्यय, तो क्या लग क्या है नया शब्द, लघुत्व ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्या है बताइए, अगला सती और प्रत्यय है त्वा, तो क्या हो गया सतीत्व ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सतीत्व से और भी अन्य प्रत्यय शब्द हो सकते हैं, उसमें आप मूल शब्द जो है जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अलंकार। तो बच्चों बताइए कि अलंकार किसे कहते हैं, बताइए। इसके पूर्व के पहले के भी कक्षा में हम आपको बता चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, आप अपनी समझ से अपने शब्दों में बताइए कि अलंकार किसे कहते हैं। प्रयोग बढ़ चलिए, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों यहाँ पर होता है आभूषण या जेवर। आप सभी आभूषण धारण करते हैं, पहनते हैं, आप गहने जेवर धारण करते हैं। जो स्त्रियां हैं अपने आप को और सुंदर दिखाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आभूषण धारण करते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार से काव्य में भी, काव्य की या साहित्य की सुंदरता को जो बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, कारक होते हैं, गुण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और शब्द और अर्थ की जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है ना, उसी को भी हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं ठीक है। अभी हमने पर्यायवाची शब्द देखा था, फूल को हम क्या कहते हैं, पुष्प कुसुम। तो आप देखते होंगे किसी कविता में जो है फूल की जगह क्या लिखा होता है, कुसुम लिखा होता है, तो वही क्या है, उससे ही क्या होता है, किसी भी काव्य की सुंदरता बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम। चलिए बच्चों यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आया है, इसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ठीक है। यह अलंकार का एक प्रकार है अनुप्रास अलंकार। तो जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों आवृत्ति का अर्थ क्या होता है बताइए, एक शब्द आया है यहाँ पर आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहेंगे बताइए, आवृत्ति किसे कहेंगे। जिसकी वृद्धि ना हो। और अच्छे से सोच कर बताइए, प्रयास कीजिए, आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ क्या है आपको, आवृत्ति का अर्थ है बच्चों ध्यान से सुनेंगे ठीक है, अगली कक्षा में मैं फिर से पूछूंगी। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, एक से अधिक बार कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तब हम कहते हैं कि उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बार बार आना ठीक है, उसे कहेंगे आवृत्ति ठीक है। उदाहरण हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे इसे, आपने सुना भी होगा और आप सभी को याद भी होगा, याद है आपने सुना है जो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है,
ये गाने के रूप में है, आपने सुना होगा, सुना है आप सभी ने। हाँ, तो गाइए इसे, गाइए। चांद चमके टमटम चोर बिल्कुल, चंदा चमके चम चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरा, चीनी खोर। ठीक है, ये गाना सभी ने बहुत बार सुना भी होगा और आप सभी को बहुत अच्छे से याद भी होगा, भले ही अभी आप यहाँ पर नहीं बोल पा रहे अच्छे से। तो अब बताइए बच्चों कि इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है, कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा वर्ण है, चावर्ण। ठीक है, तो यह कौन सा अनुप्रास हुआ फिर, कौन सा अनुप्रास है ये फिर बताइए, कौन सा अनुप्रास है, कौन से अनुप्रास का उदाहरण है ये बताइए। चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है ना, ये है। ठीक है, लेकिन अब ये कौन सा अलंकार हुआ, कौन से अलंकार का उदाहरण हुआ, हम कौन सा अलंकार पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा अलंकार कर रहे हैं, कौन से अलंकार की बात कर रहे थे हम, बताइए। अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जो है चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यह किस अलंकार का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, ये गाना अच्छे से याद कर लीजिए और जब भी अनुप्रास अलंकार आपको पहचानना हो तो इस गाने को याद कर लीजिए, उसके बाद आपको अनुप्रास अलंकार पहचानने में बहुत आसानी होगी और आप कभी अनुप्रास अलंकार भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस गाने के माध्यम से आप अनुप्रास अलंकार को याद रखिएगा। अगला उदाहरण एक और है बच्चों, इसे भी आपने बहुत सुना होगा, गाइए इसे भी। बिल्कुल बढ़िया। तो अब बच्चों बताइए कि इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बार बार हुई है। हाँ, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ ये, कौन सा अलंकार हुआ ये, अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर ये दो उदाहरण ऐसे हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तो अब आपको मुझे ऐसा लगता है कि इस उदाहरण के माध्यम से आप अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आगे आपको अनुप्रास अलंकार पहचानने में कोई दुविधा नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, अब इस कविता से संबंधित हम उदाहरण देखते हैं और बताते जाइएगा जो आप सभी। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, बताइए इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, कौन से वर्ण की आवृत्ति, सा। बहुत बढ़िया। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है बताइए। माँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कौन से वर्ण की, कौन आ। बिल्कुल बढ़िया। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो बच्चों आप सभी ने जो है अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छे से पहचान लिया है, तो उसके लिए आप सभी के लिए एक स्माइली है यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप, तो आप सभी के लिए क्या है, स्माइली आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अनुप्रास अलंकार आज स्पष्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया आप सभी को, अनुप्रास अलंकार भूलेंगे अब आप, भूल पाएंगे कि याद रहेगा, याद रहेगा अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। अब याद अंत रहेगा। में बच्चों आपके लिए गृह कार्य है, ठीक है, धार्मिक सद्भाव से संबंधित स्लोगन लिखिए या नारा। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, वृक्ष बिना पृथ्वी होगी ऐसे, रक्त बिना मानव हो जैसे। तो बच्चों बताइए कि ये
किसका जो है नारा है, किसके लिए लिखा गया है, किसके ऊपर यह जो नारा है, वृक्ष बिना पृथ्वी होगी, ऐसे किससे संबंधित है ये? वृक्ष बिना पृथ्वी होगी ऐसे, रक्त बिना मानव हो जैसे, ये स्लोगन हमने लिखा है, ये किससे संबंधित पर्यावरण, है? पर्यावरण से पर्यावरण, संबंधित यह जो है नारा है। इसी तरह से आपको किससे संबंधित नारा लिखना है? धार्मिक सद्भाव से संबंधित स्लोगन आपको लिखना नारा। है। दूसरा गृह कार्य बच्चों आपके लिए कि इस कविता में आपने देखा कि सभी जातियों और धर्म से प्यार और सद्भाव का संदेश हमने देखा कि इस कविता के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, परंतु हमारे समाज में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता? हम बहुत जगह ऐसा देखते हैं समाज में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? तो उसे आपको क्या करना है, अपने साथियों से, अपने माता पिता से चर्चा करना है और अपनी समझ को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, जी नोट कर लीजिएगा और इसे लिखकर अपने एक अच्छा शिक्षक या विषय शिक्षक जो है उसे आप इसे दिखाइएगा। तो बच्चों आपको यह जो कविता है वह समझ में आया? आपको कोई प्रेरणा जी मिली? आप इसे अपने जीवन में इसे उतार पाएंगे? आपको इस कविता के माध्यम से जो भी सीख मिली होगी, है ना? हमने इस कविता के माध्यम से जाना सुना कि किस तरह से जो है संपूर्ण धरती को ही कवि ने अपना पूरा घर माना, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, हम सबको भी इस धरती को अपना, अगर हम घर मानते हैं तो संपूर्ण धरती क्या हो जाएगी? स्वच्छ और सुंदर हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से हम अपने घर को, अपने आसपास को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से ही हमें इस पूरी धरती को भी क्या करना चाहिए, अपनी धरती माता को हमको सजा संवार कर हमको स्वच्छ रखना चाहिए। रखना और चाहिए। हमें, हम सबको आपस में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का चाहिए। भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें द्वेष की भावना, बदले की भावना हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और इस धरती पर जो भी प्राकृतिक, चाहे हमारा जो भी चीजें हैं, सार्वजनिक संपत्ति है, उसे भी हमें क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर सही तरीके से उसकी देखभाल करते हुए हमें उसका उपयोग आपस में करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमें भी, हम सबको, जैसे कवि को अपनी मानवता पर गर्व था, इसी तरह से हम सभी को भी अपनी मानवता पर गर्व होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर से एक नई कविता या कहानी के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।